अगर आप अपने फेसबुक के पेज के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं बट अब से नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में आप बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फेसबुक के पेज के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, जिससे बेनिफिट आपको क्या होगा कि आप जो भी पोस्ट अपने फेसबुक के पेज पर करेंगे वो डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट हो जाएगा। तो आपको दोनों जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक ही जगह से दोनों चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी और फेसबुक अकाउंट को भी। तो कैसे लिंक किया जाता है अपने फेसबुक के पेज के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को, आज के इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो में बन रहेगा। मैं वैसे आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन कर देना है। फेसबुक ओपन करने के बाद उस पेज को ओपन कर देना है जिस पेज को आप लिंक करना चाहते हैं, तो हम उस पेज को ओपन कर देते हैं। पेज ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको सिंपली यहाँ पे आ जाना है, जो थ्री डॉट है वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आने के बाद आपको दिख जाएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, तो आपको उसको क्लिक कर देना है। उस पे आने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको दिख जाएगा लिंक अकाउंट, मोनेटाइजेशन, इंस्पिरेशन हब, इनवाइट फ्रेंड टू फॉलो। तो आपको यहाँ लिंक अकाउंट जो है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे है लिंक्ड अकाउंट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। आप चाहे तो इसमें अपना व्हाट्सअप भी ऐड कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को भी ऐड कर सकते हैं। अपने व्हाट्सअप को कैसे ऐड किया जाता है उसका भी वीडियो मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे ऐड किया जाता है, बट आज के इस वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम को ऐड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ऐड करने के लिए हम आएंगे इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्टेड अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का आईडी और पासवर्ड देना है। तो आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, अपने यूजर नेम से भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी से भी कर सकते हैं। आपको जो याद होगा आपको यहाँ पे डाल देना है अपने यूजर नेम में, और पासवर्ड में आपका जो पासवर्ड है उसको डाल देना है। और अगर आप पासवर्ड भूल भी गए होंगे तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, आप ऐसे पासवर्ड को भी फॉरगेट कर सकते हैं। और अगर पता है तो आप यहाँ पे डालकर सिंपली यहाँ से लॉगिन कर दीजिएगा। लॉगिन करते ही आपका जो अकाउंट है फेसबुक पेज से लिंक हो जाएगा। उसके बाद आप जो भी पोस्ट करेंगे फेसबुक के पेज पे वो डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम के अकाउंट पे पोस्ट हो जाएगा, या फिर जो भी पोस्ट आप करेंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो डायरेक्टली आपके फेसबुक के पेज पे हो जाएगा। आपको दोनों जगह पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली एक ही जगह से दोनों जगह का काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक के पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।